174 members have recorded their votes. पाकिस्तान में काफी दिनों से एक और तख्तापलट की कोशिश चल रही थी, लेकिन ये पहली बार था जब किसी पाकिस्तानी पीएम को संवैधानिक तौर पर कुर्सी से उतारने की कवायद की जा रही थी, और इस बार निशाने पर थे इमरान खान। क्रिकेटर से पॉलिटिशियन बने इमरान खान ने पूरी कोशिश की कि वो किसी तरह अपनी कुर्सी को बचा ले जाएं, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी इमरान आखिर रन आउट हो ही गए। तो चलिए बताते हैं आपको उस रात की पूरी कहानी जब पाकिस्तान के इतिहास में संवैधानिक तरीके से इमरान खान को कुर्सी से उतारा गया। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। ये कहानी शुरू करें इससे पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंडर दे देते हैं। विपक्षी दलों द्वारा 8 मार्च को इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, जिसके बाद से ही इमरान खान के खिलाफ नंबर गेम की बातें चलनी शुरू हो गई थी। 342 सदस्यों वाली नेशनल असेंबली में सरकार बचाए रखने के लिए 172 सदस्यों की जरूरत थी, और इमरान खान के 24 एमपीज के बागी होने के बाद उनके पास सिर्फ 152 सदस्य ही बचे थे, जबकि विरोधी दलों के पास 200 सांसदों के आसपास का आंकड़ा बताया जा रहा था। लेकिन 3 अप्रैल को जब संसद में वोटिंग का दिन था, तब इमरान सरकार में इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर फवाद चौधरी की दलील पर डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने संविधान के आर्टिकल 5 का हवाला देकर नो कॉन्फिडेंस मोशन रद्द कर दिया था। यहां तक कि इमरान खान ने पाकिस्तान की जनता को री इलेक्शन के लिए भी तैयार रहने को कह दिया था, लेकिन विपक्षी दलों ने इसे संविधान का उल्लंघन बताया और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर द्वारा की गई कार्रवाई को असंवैधानिक बताया और स्पीकर असद कैसर और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी को बर्खास्त कर दिया, और इस तरह नो कॉन्फिडेंस मोशन का रास्ता खुल गया। अब आते हैं कल की तारीख पर। 9 अप्रैल को संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। विपक्षी दल पीएमएलएन के अयाज सद्दीक को इस सारी कार्रवाई का इंचार्ज बनाया गया। दिन में शुरू हुई सदन की कार्रवाई को 4 बार के लिए स्थगित किया गया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की दिन में इमरान खान से मुलाकात भी हुई, लेकिन बातचीत का ब्यौरा नहीं मिला। वहीं डॉन की खबर के मुताबिक इस्लामाबाद हाईकोर्ट का एक सेशन एक पिटीशन के लिए तैयार बैठा था, जिसमें ये मांग की जाने वाली थी कि इमरान खान को पीएम की कुर्सी पर रहने दिया जाए और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को उनके पद से हटा दिया जाए। हालांकि पीटीआई ने यह दावा किया है कि इमरान खान का बाजवा को हटाने का ऐसा कोई प्लान नहीं था। खैर, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों ही उस रात एक्टिव थी ताकि वोटिंग पर पूरी नजर रखी जा सके। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बांदियाल का आदेश था कि आधी रात को भी सुप्रीम कोर्ट को ओपन रखा जाए, और वहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे भी इस रात खुले थे। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक असेंबली के बाहर कैदियों को ले जाने वाली गाड़ियां भी खड़ी की गई थी, और इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि अगर रात को वोटिंग नहीं हो पाई तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को बंदी भी बनाया जा सकता था। यही नहीं, पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी और इस बात के आदेश दिए गए थे कि किसी भी सीनियर ऑफिशियल को एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बिना देश छोड़कर बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। खैर, इमरान खान की तरफ से नेताओं द्वारा लंबी लंबी स्पीचेस का दौर चला और विपक्ष लगातार वोटिंग की मांग करता रहा। पाकिस्तानी अखबार डॉन सुबह ही इमरान के खिलाफ 176 सांसदों की संख्या बता चुका था। इमरान के खिलाफ दो दलों के पास सबसे ज्यादा सांसद थे, शहबाज शरीफ की पीएमएलएन से 84 और बिलावल भुट्टो की पीपीपी से 54 सांसद इमरान के खिलाफ थे। इमरान खान इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सदन में मौजूद नहीं थे, जिसके चलते बिलावल भुट्टो ने उन पर जमकर हमला किया। दूसरी तरफ इमरान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने अमेरिका पर जमकर हमला बोला और कहा कि इमरान की रशिया विजिट के लिए अमेरिका ने मना किया था और अमेरिका को ऐसा करने का कोई हक नहीं था। इससे पहले इमरान भी अपने तख्ता पलट को अमेरिकी साजिश बता चुके हैं। इस पूरी खींचतान के बीच जियो न्यूज की तरफ से इमरान के मंत्री फवाद चौधरी का एक और संगीन बयान जारी किया गया, जिसके मुताबिक एक पत्रकार से फॉर्मल बातचीत में
फवाद चौधरी ने कहा कि जो विपक्षी नेता सदन में अपने एमपी लेकर पहुंचेंगे वे पाकिस्तान में मार्शल लॉ के जिम्मेदार होंगे। खैर, रात 11:58 पर वोटिंग शुरू होनी थी, लेकिन रूल्स के मुताबिक मिडनाइट से पहले सेशन शुरू नहीं किया जा सकता था, इसलिए असेंबली सेशन को 4 मिनट के लिए एडजर्न किया गया। अब समय हो चुका था 12:02। भारत के समय की बात करें तो उस वक्त रात के 12:30 रहे थे। Kindly commence voting, please. इमरान खान की सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग शुरू हुई और 342 में से 174 सांसदों ने नो कॉन्फिडेंस मोशन के हक में वोट किया और इस तरह इमरान राजनीतिक पिच पर महज 2 वोट से रन आउट हो गए और पाकिस्तान के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए जिसे संवैधानिक तरीके से कुर्सी से उतारा गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।